अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। हुकूमती पॉलिसीज एक तरफ और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैरान हैं, परेशान हैं। अगर मैं तिब्बी माहिरीन की बात करूं तो वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर नरमी क्यों बरती जा रही है, जबकि केसेस की बात की जाए या जो शरह है, जो रेशो है, वो बढ़ता चला जा रहा है कोरोना केसेस का, तो ये नरमी क्यों की जा रही है। ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे 24 घंटों के अंदर कराची के अंदर जो केसेस की शरह है वो 11% रिकॉर्ड की गई है। एक ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ में नरमी देखी गई है। ताजिरों को जो औकात थी वो 6 बजे से 8 बजे कर दी गई, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिलैक्सेशन दिया गया, स्कूल्स को भी खोलने की बातें सामने आई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आज इनको डिस्कस करना मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। और नासिर हुसैन शाह जो कि इस वक्त वज़ीर बल्दियात हैं, उनके स्टेटमेंट भी आपके सामने रखता हूँ कि कोरोना केसेस कम हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और कुछ इलाकों के अंदर केसेज हैं, बाकी मामला कुछ बेहतर हैं। अगर ये बेहतर हैं तो माजी के अंदर कराची जैसी सख्तियाँ पूरे मुल्क ने नहीं झेलीं लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए। ये तमाम चीज़ें हैं, क्या सियासत की जा रही है या फिर ये वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर रखकर काम किया जा रहा है। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दुकानदारों और स्टाफ के लिए, ये कहा है कि वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीनेशन पर भी बात करेंगे कि वैक्सीनेशन का क्या रेशो है, किस हद तक और कितने फ़ीसद लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। जानना मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि कोरोना केसेस की शरह बढ़ने के साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसी में नरमी आई है, मेडिकल स्टाफ इस नरमी को कैसे देखता है। गलबन टेक्निकल इश्यू, दोबारा राबता किया जाए डॉक्टर कैसर सज्जाद से, जबकि डॉक्टर कैसर सज्जाद के भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ऑन एयर आए, ऑन रिकॉर्ड हैं, जो बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि सिंध में कोरोना वायरस का मामला सियासत की नज़र हो चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगा कि आज इस पर ज़्यादा गुफ्तगु की जाए कि सिंध हुकूमत क्या चाह रही है, वफाकी हुकूमत का क्या इस वक्त किरदार है, और इन दोनों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ की तजावीज़ को मलूज़े खातिर रखा गया है या फिर हवा में उड़ा दिया गया है। ये वो बातें हैं, वो नारे हैं जो वफा नहीं हो सके हैं। बेसिकली ताजिर बिरादरी की मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, ताजिर बिरादरी जितना परेशान यहाँ पर पुलिस के डिपार्टमेंट से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रही है, उसको देखते हुए रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन तिब्बी माहिरीन का इस वक्त तज्जिया कुछ और कहता है। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद ऑन कॉल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस चीज पर रोशनी डालें कि हुकूमती नरमी लॉकडाउन को देखते हुए, लेकिन तिब्बी माहिरीन का इस पर क्या तज्जिया है, क्या मौकफ है, नैरेटिव क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बेसिकली तिब्बी माहिरीन का तो यही है कि जब वबा की जो शरह है वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोगों को रोकना है, लोग इस बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए एक ही तरीक़ेकार है कि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए। तो लोगों की मूवमेंट को रोकने का एक तरीका है कि आप लॉकडाउन करते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस है वो डे वन से पॉलिटिसाइज हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आप मेरिट पे नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है मेरे ख्याल में सिंध में भी, शायद सिंध हुकूमत ने भी जो पिछले दिनों बहुत से तबके की तरफ से, रेस्टोरेंट वालों की तरफ से, ताजिरों की तरफ से बहुत सारे, शायद इतना प्रेशर था कि हुकूमत मजबूर हो गई कि इन्होंने जो है इसको खोल दिया। ख़ासकर प्रेशर उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये कहा जाता है कि कराची को बंद कर दिया गया है और बाकी जगहों सब खुल गए हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहर, और बहुत सारी और बातें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि डू यू रियली थिंक सो कि ये प्रेशराइज किया गया मामला है, पॉलिटिसाइज किया गया मामला है। देखिए बात सारी ये है कि जिस 12% पे केसेस अभी चल रहे हैं तो इस पे तो नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि लोग आपको मजबूर कर रहे हो किसी न किसी तरीके से, जो हम समझते हैं, हम कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि इसके अलावा तो और कोई बात है नहीं। हमने भी मशवरा यही दिया
कि जी अभी बिल्कुल से नहीं खोलना चाहिए, लेकिन यही हुआ कि जी हम अगर आज 8 बजे तक खोलते हैं तो उसके बाद 10 बजे का जिक्र आएगा, 10 बजे के खोलते हैं तो फिर 12 बजे तक करें, तो ये इससे बेहतर है कि हम यूँ कर दें और ऐसा कर दें। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें सब खुल गई हैं, अल्लाह करे कि ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो 12% है, ये 10% और 8% और ग्रेजुअली ये परसेंट खत्म हो जाए, लेकिन ये बात हमें 10 दिन के बाद पता चलेगी, नेक्स्ट अगले पीर या मंगल को आपको पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और है, आप रोज़े अव्वल से मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, आपकी एडवाइस हम यहाँ पर रखते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको भी हम शेयर करते हैं लोगों से, लेकिन वज़ीर आला की अगर बात कर ली जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध की अगर मुराद अली शाह, तो उन्होंने भी 3 दिन का टाइम दिया है कि लोग ताजिर बरादरी वैक्सीनेट हो जाते हैं या नहीं होते हैं, 3 दिन के बाद चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। आप एग्जैक्टली किस जगह देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 3 दिन अगर ये इस तरह रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो केसेस ऊपर जाने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल चांसेस हैं, देखिए ये बीमारी एक से दूसरे में लगने के चांसेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो डाइनिंग जो है डाइनिंग डाइन आउट जो है जो बाहर चलाने वाला रेस्टोरेंट खोल दिया गया है 12 बजे तक, तो यकीनन वहाँ कोई भी SOPs को पहले भी नहीं फॉलो करता रहा था, कोई मास्क नहीं लगाता, वो ये उसको बहाना मिलता है क्योंकि हम तो खाना खाने आए हैं, यहाँ मास्क कैसे लगाएंगे, और बहुत करीब करीब होके लोग बैठते हैं, बहुत इशू है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के मालिकान और जितने वेटर्स हैं सारों को सारों को जब तक वैक्सीनेट कर दिया जाए तो भी फिर भी बेहतर है, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें कि वैक्सीनेशन अगर हो जाता है, मास्क लगाते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो कि हम एक रवैया देख रहे हैं देवन से कि हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो खतरा इस बात का है कि ये शायद मैंने जैसे पहले कहा कि 10-12 दिन में ये बात पता चल जाएगी अगले मंडे या ट्यूजडे तक के तो यही हो सकता है कि यकीनन हुकूमत ये करेगी कि अगर इसके केसेस में इजाफा होता है तो फिर दोबारा मेरे ख्याल में कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, और ये जो कि ये सारी बातें आपको मालूम है कि क्यों हो रही है, आपको याद होगा कि मैं Day 1 से कह रहा हूँ, अगले पिछले साल से ये बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जी, और जब यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं हुई तो यही बात हुई कि रमजान से पहले पंजाब में बड़े सूरत हाल खराब थे, जब सिंध में उस वक्त सूरत हाल बेहतर थी, और पंजाब में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, और वहाँ की जो मिनिस्टर साहिबा है यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया और बहुत सख्त इकदाम उठाए, लॉकडाउन किया, सख्त ताजिर बरादरी भी वहाँ पर खामोश रही और कुछ नहीं किसी ने बोला, और उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे 2% से भी नीचे के केसेस आ गए हैं पंजाब। अच्छा पंजाब के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी ओपन किया गया, अब वहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल भी नहीं है, सिंध भी उसी तरह लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन लेकर आ रहा है, कैसे कंपेयर करेंगे दोनों प्रोविंस को अगर आप देखें दोनों की पॉलिसीज को? देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना, देखिए लॉकडाउन वहाँ पे बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन किया गया और उसके नतीजे में आपको रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट ये मिला कि मैं जैसे बता रहा था कि 2-3% वहाँ पे केसेस हैं, ठीक है, इसके बरक्स आप यहाँ देखें कि सिंध के अंदर जो लॉकडाउन लगा उसके अंदर कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, आपको सब पता है कि जी दुकानें जो है बंद होने के बावजूद भी खुलती रहती थी, कारोबार चल रहा था, बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब चीज़ें करने के बावजूद अभी भी कल भी जो है वो 12% पे आपका जो शरह है मुस्बत आने का वो 12% रहा, तो ये तो बहुत अलार्मिंग है कि इस हालत में सब चीज़ें पंजाब की तरह नहीं खोल सकते, पंजाब का तो 2-3 हो गया था, लेकिन सूरत हाल कंपेयर करने के लिए अगर देखा जाए तो लोग फिर यही कहते हैं कि पंजाब भी खुल गया, कोलकाता भी खुल रहा है और पेशावर भी खुल गया,
और केटीके भी और बलूचिस्तान भी तो पास सिंध में क्यों नहीं खोला जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद सिंध हुकूमत ने ये सारी चीज़ें खोल दी हैं, जो कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतर करे। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर और एज ए क्लिनिशियन मैं समझता हूँ कि ये अर्ली फैसला है और अल्लाह करे कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो साइंस ये कहती है कि ये बीमारी वायरस की है और ये वायरस एक दूसरे में बहुत तेजी से फैल सकता है, और जबकि हमारे यहाँ यूके वेरिएंट, ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन और खासकर इंडियन वेरिएंट भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो फिर बड़ा खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो आज भी हमारे अस्पताल जो है वो मरीज नहीं ले रहे हैं वहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन पर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा, आखिरी कमेंट्स आपके चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक, वैक्सीनेशन का रेशो हमने बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, शरा हम ऊपर जा रही है या फिर वैक्सीनेशन जितनी हो रही थी उसी पर स्टक कर गए हम? नहीं, शरा तो बढ़ी है लेकिन वो शरा हमारा जो गोल था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक। मैं समझता हूँ कि कम अज कम पाकिस्तान में 5 से 6 लाख अफराद को रोजाना वैक्सीन लगाना चाहिए। गो के पहले लोग इस तरह से नहीं हजूम लगाते थे, लेकिन अब जैसे कि सिंध में भी या पंजाब में भी जिस तरह से लोग लाइन लगाकर और वैक्सीनेट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और काफ़ी लोग हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुल से तमाम लोगों को दो बातें जरूर कहूँगा। एक तो ये है कि वैक्सीन जितने भी लोग हैं जिनको भी मौका मिल रहा है जहाँ पर भी मिल रहा है, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने तमाम घर वालों को, और इसके बाद भी आपको मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, साबुन पानी का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जाता है कि आपस में जब बैठे तो कुछ फासले से बैठे ताकि इस बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो सके। और ये बात भी यकीनी है कि जब सब लोग मिलकर इस कैंपेन में का हिस्सा बनेंगे, इस वबा को भगाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, तो ही हम कोरोना को पाकिस्तान से भगा सकेंगे। अदरवाइज अल्लाह ना करे कि इसका हशर उसी तरह हो जाए जैसे कि पोलियो का हुआ है, कि दुनिया से पोलियो का खात्मा हो गया है और पाकिस्तान वाले जो है वो पोलियो का सर्टिफिकेट लेके दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा भी ना हो कि हम दुनिया से कोरोना का खात्मा हो जाए और हम यहाँ से कोरोना का सर्टिफिकेट लेके जाएं और जिस मुल्क में जाएं वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन करें और फिर वहाँ अपने काम के लिए 2 दिन के लिए जाएं और फिर वापस आ जाएं। ठीक है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों से दरख्वास्त यही है कि खुदारा वैक्सीनेट कराएं, जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें और जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हम कोरोना से निजात हासिल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पीएम, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद थे। और सिंध हुकूमत ने नरमी तो बरती है लॉकडाउन में, लेकिन केसेस की शरह 12% तक बढ़ चुकी है। अब देखना यह है कि ये नरमी कब तक बरकरार रहती है और केसेस में कमी कब आती है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना होगा। और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी, ताजिर बिरादरी को कहा है कि वैक्सीनेट हो जाएं जल्द से जल्द। अब देखना यह है कि ताजिर बिरादरी किस हद तक हुकूमत का साथ देती है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ हैं उसको भी मलूज़ ख़ातिर रखेंगे।